माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कमरे से बाहर निकालो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाला एक लड़के की मौत हो गया था। मौत की दो दिन बाद वो अपनी माँ के सपने में जाकर रो रो के बोलता है कि माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कमरे से बाहर निकालो। सपने दे रो रोज के, अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे चौंकाड़वा दिया था ने, मुझे ने करवा तो ले। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा दोस्तों कि ऐसा भी होता है कि लोग मरने के बाद भी लोग वापस आ सकते हैं क्या। तो दोस्तों, ये जो घटना हुआ है ये उत्तर प्रदेश की हाथरस में हुआ है। आप लोग एक क्लिप देखो पहले। वो बेटा जो मरने के बाद माँ के सपने में आया और बोला, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालो। फिर जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये लड़के की जो मौत हुआ था ना, वो सांप की काटने की वजह से हुआ था। और ये सपना जो है ना, ये अकेला उसकी माँ को नहीं आया था, वो हाथरस की बहुत सारे लोगों को ये सपने में आया है और आके बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सिर्फ माँ ही नहीं, पूरे मोहल्ले में आसपास के कई लोगों को मृतक ने सपने में आकर यही कहा कि माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकलवा लो। पूरे मोहल्ले में ये जानकर दहशत फैल गई। जब ये बात पूरा इलाका में फैल गया तो लोगों का भी जमा होना स्टार्ट हो गया कब्र के पास में। तो लोगों ने क्या किया, पुलिस की परमिशन लेकर कब्र की खुदाई स्टार्ट कर दी। और खुदाई की बात मतलब लोगों के अंदर में यह एकदम पूरा एकदम डर था कि कोई मरने की बात भी ऐसा कैसा बोल सकते हैं। आखिर लोगों को बस कब्र खोद के देखना था कि सच में यह इंसान जिंदा है या नहीं। आनंद फानंद में अगले ही दिन प्रशासन की अनुमति से कब्र खोदी गई, लेकिन फिर जो हुआ वो देखकर सब चौंक गए। कब्र की खुदाई के बाद उधर मौजूद सभी लोगों का होश उड़ गया। और आप लोग भी देखिए आगे क्या हुआ। कब्र में मृतक की लाश मौजूद थी और वो पूरी तरह सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों ने वापस उस लाश को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। आप बॉडी को निकाल रहे हैं क्या, उसमें क्या पोजीशन है उसकी? बिल्कुल सड़ी हुई बॉडी है। अच्छा, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि निकालो निकालो। हमने इन लोगों से बोल दिया था, मैंने कि भाई बॉडी सड़ी होगी तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इन लोगों से बोल दिया मैंने कि हाथ उसका अलग निकलेगा, और मैंने कि पूरी बॉडी सड़ी हुई है आपकी, अगर आप लोग और प्रेशर गिर रहे हैं तो हम निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत निकालो ना भैया। फिर समझ गए, क्या पोजीशन है अब? बिल्कुल पोजीशन ये है कि सड़ी हुई बॉडी है।